आप देख रहे हैं BHBC News। नमस्कार, स्वागत है आपका। महाराष्ट्र के NCP नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात को 3 हमलावरों ने मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी। बाबा सिद्दीकी पर जिस समय गोली चली उस दौरान राज कनौजिया नाम के एक 22 साल के लड़के को भी गोली लगी थी। हालांकि गोली राज के पैर में लगी थी। इसके बाद राज को पुलिस की मदद से बांद्रा के भावा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं राज ने बताया कि वह सिलाई का काम करता है और दशहरा होने के चलते उस दिन उसकी छुट्टी शाम 5 बजे हो गई थी। वह देवी माँ के दर्शन करने के लिए आया था। उस समय वहाँ हर ओर पटाखों की आवाज़ आ रही थी और वह जूस पी रहा था। तभी अचानक से भगदड़ सी मची। इस दौरान राज को लगा कि उसके पैर में कुछ हुआ है। उसने देखा तो उसके पैर से खून निकल रहा था। एक TV चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक पहले तो राज को लगा कि पटाखा फोड़ा जा रहा है, वहीं लग गया है शायद। इसके बाद वहां पर मौजूद लोग राज को मंदिर के अंदर ले गए, तब पता चला कि उसको गोली लगी है। राज ने आगे अफसोस जताते हुए कहा कि मेरी बहन की फरवरी में शादी होने वाली है, अब 2-3 महीने काम नहीं कर पाऊंगा। फिलहाल राज प्रशासन से मदद की उम्मीद कर रहा है। बता दें कि बाबा सिद्दीकी पर 6 राउंड गोली चली थी, जिसमें से 2 पूर्व मंत्री के सीने में लगी थी। यह घटना शनिवार रात उनके बेटे जिशान सिद्दीकी के बांद्रा स्थित ऑफिस के बाहर की थी। वहीं मुंबई पुलिस को संदेह है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर की गई है, जो गुजरात जेल में बंद है। शूटर गुरमेल बलजीत सिंह और धर्मराज राजेश कश्यप को घटना वाली रात ही गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि तीसरा शूटर शिव कुमार भागने में सफल रहा। पुलिस के मुताबिक शुभम लोकन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। उसके भाई प्रवीण ने दोनों गिरफ्तार किए गए आरोपियों को पुणे में रहने की जगह दी थी। मुंबई पुलिस ने 15 टीमें गठित की, जो इस हाई प्रोफाइल हत्या से जुड़े व्यक्तियों की तलाश में महाराष्ट्र के बाहर जांच कर रही है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।